तभी उन्होंने एक नाटक लिख डाला था। उस नाटक का नाम था होनहार वीरवान के होत छिपने पर, यह उनकी पहली रचना थी, ये नाटक के रूप में रचना थी। उसके बाद धीरे 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 पढ़ाई होते होते वो काम भी करते रहे। इसी बीच उन्होंने 1905 के अंत में या 1906 ईस्वी में उन्होंने एक बाल विधवा लड़की से शादी कर लिया। वो शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, उस लड़की के साथ उनका ज्यादा नहीं बन पाया, इसके चलते उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी जिस लड़की से किया गया उस वो बाल विधवा थी और उसका नाम शिवरानी देवी था। शिवरानी देवी से उन्हें 3 संतानें हुई, पहला श्रीपत राय, दूसरा अमृत राय और तीसरा लड़की थी जिसका नाम कमला देवी। जब उनकी शादी हो गई तो शादी के उपरांत लगभग 1-1.5 साल के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ और वह शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने लिखने का कार्य जारी रखा था। उसके बाद उनकी जो रचना प्रकाशित हुई वह पहली रचना जो थी वह थी सोजे वतन। सोजे वतन का अर्थ होता है राष्ट्र का विलाप, जो उर्दू में लिखा गया था सोजे वतन। तो उसमें 5 कहानियों का संग्रह था, लेकिन वो कहानियां जनता के दुख दर्द के बारे में थी, इसलिए और हम लोग जैसा जानते हैं कि उस समय अंग्रेजों का शासन था, 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, उससे पहले तो भारत गुलाम ही था, अंग्रेजों के शासनकाल में था। और तभी अंग्रेजों को लगा कि यह जो रचना है यह एक भड़काऊ रचना है, इससे जनता में आक्रोश आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो हमीरपुर के जो कलेक्टर थे उन्होंने प्रेमचंद को चेतावनी दी कि अगर इस तरह की रचना करेंगे तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। तो उन्होंने कुछ दिन तक रचना बंद कर दी। फिर उन्होंने अपने नजदीकी मित्र से वार्तालाप किया कि कैसे हम फिर रचना कर पाएंगे। तो उनके मित्र ने एक सुझाव दिया कि तुम अपना नाम ही बदलो, ध्यान देंगे कि इससे पहले सोजे वतन तक उनकी जो रचना थी वह नवाब राय के नाम से थी। प्रेमचंद की जितनी भी रचना थी वह पहले नवाब राय के नाम से किया करते थे वो लेखक के रूप में, और उनका मूल नाम जो था वह धनपत राय था। तो इस तरह से उनके दोस्त ने सुझाव दिया कि तुम अपना नाम प्रेमचंद रख लो, और तभी से उनकी रचना जितनी होने लगी वह प्रेमचंद के नाम से ही होने लगी। इस तरह से उन्होंने काफी ज्यादा उपन्यास लिखे, काफी कहानियां लिखी। उनमें से कुछ प्रसिद्ध उपन्यास जो है वो मैं आपको बता देता हूं। उपन्यास में सेवा सदन है, कर्म भूमि है, गोदान है, गबन है, निर्मला है, कर्म भूमि है। तो इस तरह से इन्होंने 11 उपन्यास को लिखा और बहुत सारे नाटकों को लिखा, बहुत कहानियां लिखी। इन्होंने टोटल कुल इन्होंने 301 कहानियां लिखी, जिसमें से 298 प्राप्त हुआ और 3 प्राप्त नहीं हो पाए।
कुछ बाल कहानियां भी लिखी इन्होंने, उन्हीं में से एक ये नादान दोस्त है। कुछ उनकी रचनाएं जो थी, कहानियां जो थी, अनाथ लड़की था, ईदगाह था, दो बैलों की कथा, पूस की रात, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, दूसरी शादी, पंच परमेश्वर। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी कहानियों को भी लिखा, 298 कहानियों को लिखा जो हम लोगों को प्राप्त हुआ। ऐसे तो उन्होंने 301 कहानियां लिखी। और इसी तरह वो लिखते लिखते 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में उनका देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। और उनकी एक रचना अधूरी रह गई, और वह रचना थी मंगलसूत्र। वह रचना जो थी वह मंगलसूत्र जिसको कि उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। तो आइए अब हम लोग कहानी के तरफ चलते हैं। मैंने आपको प्रेमचंद के बारे में इसलिए बताया क्योंकि प्रेमचंद बहुत ही महान लेखक थे और इनका जीवनी हम लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे आप धीरे धीरे हायर सेक्शन में बढ़ते जाएंगे तो इनकी कहानियां और इनके इनकी रचनाओं को काफ़ी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इन्हीं रचनाओं में से ये सब रचना है, बहुत अलग अलग क्लासों में, कुछ में ईदगाह मिलेगा, कुछ में दो बैलों की कथा मिलेगा, कुछ में पूस की रात मिलेगा, कुछ में नमक का दरोगा मिलेगा। तो ये सब उनकी कुछ कॉमन कहानियां हैं जो किताबों में मिलती हैं, उसी में से एक ये नादान दोस्त भी है। तो आइए हम लोग नादान दोस्त के बारे में जानते हैं। ये सब रचनाओं को आप अपने कॉपी में, अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लेंगे। अब हम लोग कहानी पर आते हैं। सबसे पहले मैं इस कहानी का सार आपको बता देता हूं, बाद में हम लोग कहानी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यह कहानी मूल रूप से दो बच्चे के ऊपर आधारित है, एक का नाम श्यामा है जो लड़की है और दूसरा केशव है, यह लड़का है, और दोनों भाई बहन है। तो कहानी का जो शीर्षक है वह है नादान दोस्त।
तो हम लोग जानते हैं कि नादान दोस्त का अर्थ होता है नासमझ मित्र, और नादानी में जो भी कार्य किया जाता है वह उसका जो रिजल्ट आता है वह हमेशा ही खराब ही आता है। तो यहां पर भी यह कहानी को दिया गया है, इस कहानी को हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। तो कहा जाता है कि गर्मी के दिनों की बात है, एक परिवार में माँ बाप के साथ दो बच्चे थे, एक लड़की थी श्यामा और दूसरा कैसर नाम का लड़का।